Hey guys, welcome back to my channel Delicious Sizzling। आज मैं आपके साथ बिना राइस कुकर वाला राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इस राइस को ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बिल्कुल खिले खिले बनेंगे एंड एक दूसरे से ये चावल नहीं चिपकेंगे। एंड इसे कैसे बनाते हैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, साथ ही साथ ये परफेक्ट बनने के टिप्स भी आप लोगों के साथ बताऊँगी। सो प्लीज़ वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट्स बिगिन द रेसिपी। सो चावल वाइट राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल ले लिया है। ये सोना मसूरी राइस है, आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास है मेजर करके 2 ग्लासेस ऑफ राइस लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप कितने भी चावल ले सकते हैं। तो अब हम चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैं यहाँ पे चावल को वॉश कर रही हूँ। मेक श्योर कि आपको चावल अच्छे से वॉश करना होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको आपके हाथों की मदद से चावल को अच्छे से वॉश करना होगा 3 to 4 times, तभी ये क्लीन होएंगे। अब मैं यहाँ पे 3 times चावल को वॉश कर लिया है। अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। सो पानी का क्वांटिटी आप ज़्यादा रख लें, इसमें जो भी पानी डालते हैं ना वो पानी ज़्यादा होना चाहिए, तभी चावल अच्छे से खिले खिले बनेंगे। सो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है चावल में। मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे डालें आप पानी। देखिए जितने चावल होंगे इतना ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पानी रखना चाहिए। जैसे कि आप 1 tablespoon ले लें, 2 tablespoon उसे मेजर कर लें। देखिए इतना ज़्यादा आपको पानी रखना चाहिए, यानी 3 to 4 inches तक आपको पानी ज़्यादा रखना चाहिए। देखिए सो ये परफेक्ट है। अब हम इसे 30 minutes तक सोक कर देंगे। आफ्टर 30 minutes मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। वैसे तो बहुत सारे लोग प्रिफर नहीं करते नमक डालने को, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसका प्लेट कवर करके इसे पका लेती हूँ हाई फ्लेम पे रख के। 8 to 9 minutes तक हम इसे हाई फ्लेम पे रख के पकाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इसका प्लेट निकालने के बाद ये पकना शुरू हो गया है। देखिए ये तो पकना शुरू हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से पक रहा है। अब हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम करना चाहिए। मेक श्योर कि आपको हाई फ्लेम पे रख के पकाना नहीं चाहिए। जब ये पकना शुरू हो जाएगा ना तब आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख के पकाना चाहिए। देखिए ये अच्छे से पक रहा है। आप इसे बीच बीच में चेक करते रहिएगा। मैं एग्जैक्टली आपको ये तो नहीं बता सकती हूँ कि ये कितनी देर तक पकेगा क्योंकि थोड़े चावल अलग होते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द राइस। सो देखिए ये तो परफेक्ट, मुझे तो ये एग्जैक्ट लग रहा है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे चावल को। इसे चेक कर सा करते मैं बताऊँगी आपको। बस थोड़े से चावल ले लें एंड आपके हैंड से एक बार इसे ऐसा क्रश करके देखिएगा। देखिए ये टूट रहा है। इसे ज़्यादा नरम मत कीजिएगा, ये टूट रहा है, इतना ही काफ़ी है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ नज़दीक से। देखिए ये तो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, 90% तक सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमें इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर लेके चावल को ड्रेन कर लेते हैं। देखिए मैंने चावल को ड्रेन कर लिया है। देखिए अब हम चावल को ड्रेन करने के बाद इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे स्पून की मदद से। धीरे से कीजिएगा क्योंकि चावल गर्म है एंड टूटने के चांसेस भी है। देखिए मैंने चावलों को इवनली स्प्रेड कर लिया है। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हमें इसका प्लेट कवर करना चाहिए। इसका प्लेट कवर करके इसको दम पे रखना चाहिए 1 to 3 minutes तक, ताकि इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट ना रहे। सो मैं यहाँ पे दम पे रख रही हूँ। एज़ यू कैन सी देखिए यहाँ पे स्मोक नज़र आ रहा है इस आपको साइड से, इसका मतलब ये अच्छे से पक रहा है। ध्यान रखिएगा कि आपको दम छोड़ते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। देखिए आफ्टर 2 minutes मैंने ओपन कर लिया है एंड हमारे चावल तो बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा खिले खिले बन चुके हैं एंड एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं।
अभी तो ये चावल गर्म है, फिर भी ये बिल्कुल खिले खिले बन चुके हैं। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ, इसे हम अच्छे से डिश आउट कर लेंगे। इस चावल को आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिना राइस कुकर के ही परफेक्ट राइस बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपके हैं। देखिए ये परफेक्टली बन चुके हैं चावल। सो आप भी इस चावल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है चावल, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।